Very good morning students. I am your maths teacher and today I will teach you maths of class 7. And today we continue chapter 5 operations on rational numbers. And today we do exercise 5.4 part 2. Now see in the book. This is your maths book. Maths of class 7. Now open exercise 5.4. See here, this is the exercise 5.4, page number 47. And today we do question number 3. See in the book, the product of two numbers is this one. If one of them is 2/3, then find the other. बच्चों टू नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. जब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया उसका आंसर ये है, मीन्स -4/15. अब टू नंबर में से उन्होंने हमें वन नंबर तो बता दिया, वो है 2/3, और जो अदर नंबर है यानी सेकेंड नंबर वो हमें नहीं मालूम, तो वो हमें फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए. This is the question number 3. First you write product is equals to -4/15. One number is equals to 2/3. Other number equal. तो जो product है पहले हम ये लिखेंगे, इसे हम divide करेंगे इस number से. तो पहले हमने ये लिखा फिर divide और ये number यहाँ आ गया. अब इन दोनों को divide करना है. तो देखिए इस तरह के question हमने अभी किए थे question number 1 में. पहले हम इसको लिखेंगे -4/15. अब डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में. जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो इसको क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, 3 ऊपर और 2 नीचे. अब देखिए 2 से ये कट जाएगा 4, 2 टाइम्स 2 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा. इसी तरह से 3 का टेबल हम 15 में 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 5. अब देखिए हमारा क्या है, ऊपर यहाँ तो कुछ नहीं है, ये ऊपर 2 माइनस है तो -2 और नीचे यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है तो /5. तो ये क्या है हमारा अदर नंबर. तो यहाँ लिखेंगे therefore अदर नंबर इज इक्वल्स टू -2/5. दिस इज द आंसर. तो अदर नंबर हमारा ये होगा. इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इसमें ये इसकी जगह बस ये नंबर चेंज हो चुका है, वन नंबर इसकी जगह ये सिर्फ नंबर चेंज हो गए हैं, क्वेश्चन सेम है. तो हम करने का मेथड भी हमारा सेम ही रहेगा, सिर्फ हम नंबर चेंज करेंगे. तो देखो ये प्रोडक्ट है तो इसे डिवाइड करेंगे हम इस नंबर से. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फर्स्ट यू राइट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू दिस वन एंड वन नंबर इज इक्वल्स टू दिस. अब माइनस देखो नीचे है तो माइनस मैंने ऊपर लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि हम माइनस नीचे है, माइनस आपका कहीं भी हो हमें ऊपर ही लगाना है. अदर नंबर इक्वल, पहले प्रोडक्ट वाला नंबर लिखेंगे हम यहाँ, फिर डिवाइड ये सेकेंड नंबर. अब इसे हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने पीछे किया था. पहले हम इसको लिखेंगे -25/36. अब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. तो माइनस तो ऊपर ही रहेगा, ये 9 ऊपर चला गया और 10 नीचे. अब देखिए 9 की टेबल से 36 कट जाएगा 4 टाइम्स, 9 4 जा 36. अब 10 और 25 ये 5 के टेबल से दोनों को कट करेंगे, 5 का टेबल 2 टाइम्स, 5 2 जा 10, और ये 5 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 जा 25. अब देखिए ऊपर क्या बचा, यहाँ 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलकर हो गए प्लस, तो ये प्लस में लिखेंगे यहाँ 5/4 2 जा 8. तो आधा नंबर क्या हो गया, 5/8. यहाँ से लिखेंगे देयरफोर
other number is equals to 5/8. This is the answer. Now see question number 5. ये भी same इसी की तरह है. The product of two number is, इसमें ये -15 है और वन नंबर -12 है. अदर निकालना है तो अदर नंबर फाइंड करने के लिए जो प्रोडक्ट है इसे डिवाइड करेंगे हम इस नंबर से. तो देखिए किस तरह से करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू -15, वन नंबर इज इक्वल्स टू -12, अदर नंबर इज इक्वल्स टू -15 डिवाइड -12. अब देखिए इस डिवाइड, अब यहाँ पे ये सिंगल सिंगल है तो -15 हम ऊपर लिख देंगे, डिवाइड को हम अपॉन करके ये 12 यहाँ आ जाएगा नीचे. देखो माइनस से माइनस कट गया दोनों. आप 3 के टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं तो 3 का टेबल 4 टाइम्स 3 4 12 और ये 3 5 15. तो आंसर क्या आया 5/4. तो ये है हमारा अदर नंबर. तो आंसर लिखेंगे हम देयरफॉर अदर नंबर इक्वल 5/4. दिस इज द आंसर. तो यहाँ तक आपको ये पार्ट 2 में कंप्लीट करना है. पार्ट 2 इज कंप्लीटेड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.